की बात है। अरे अपने चचा है ना, टावर खड़ा करवा रहे हैं। हाँ हाँ वही बस, फिर देखो क्या नेटवर्क चका चकाता है। और तू बता। बस यार अपनी तो ऐश चल रही है, जैसे तैसे साली बीटेक खत्म हुई। बस अब तो एक महीने में NCR और वहाँ अपने भैया की जुगाड़, समझे। तुम साले मेहनत करते रहना, समझे, क्योंकि कुछ लोग ना मेहनत के लिए बने होते हैं। अपन तो किसी MNC में राज करेंगे, राज, समझे। अच्छा क्या कल इंटरव्यू है? तो तू दे अपना इंटरव्यू, जगह जगह HR से जाना और वहां अपना सामूहिक कराना, समझे। तुम जाओ और दो इंटरव्यू, अपना तो सब सेट है। ओ, सेट से याद आया यार, हमने सेट वेट लगा लिया है और अपनी सेटिंग के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। अरे वो कौन सी है ना, वो जिसमें डायलॉग है, अरे तेरी कह के लूंगा, हाँ हाँ वही वाली, हाँ वही जा रहे हैं। क्या एडल्ट है? अबे तो हम कौन से बच्चे हैं बे, फालतू की बातें करता है। चल रख साले, देर हो रही है, चल। कुछ लोग ना सिर्फ मेहनत के लिए ही बने होते हैं, और आजकल जिस चीज की जरूरत है वो है मेरे पास, यानी कि जुगाड़। अबे इतनी देर से घंटी बजा रहे थे, मर गए थे क्या? तौलिया इधर है, बाथरूम उधर है, जाके नहा लो। मतलब कि आज वॉकिंग है, दोनों लोग को चलना है। अबे यार स्टेशन से यहाँ तक वॉकिंग ही तो करते हुए आ रहे हैं, और दिल्ली में तो हमेशा ही वॉकिंग चलते रहते हैं। अभी दिल्ली आए हैं, थोड़ा आराम करने दो, टांगे वांगे सीधी करने दो, पानी वानी के लिए तो पूछोगे नहीं। चलो हम ही ले लेते हैं। उठो उठो।
दरवाजा क्यों खोल रखा है? ये तो मरा ही रहता है, कम से कम तुम ही दरवाजा खोल दिए होते। अरे यार, तो यहाँ कौन सा कुबेर का खजाना पाले हुए हो? तुम्हारे पास क्या है जो लूट जाएगा? वैसे तुम्हारी शक्ल तो जवाब दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है, चलो तुम ही बता दो अपने मुंह से जो लग रहा है। यार थर्ड राउंड पास। तुम ना साले, जब से बीटेक से बाहर हुए हो ना, तब से बाहर ही होते रहते। कितनी बार कहा मेरे भाई कि कुछ जुगाड़ लगाया कर, जुगाड़ समझे? और जुगाड़ से याद आया कि जुगाड़ को जगाना भी पड़ता है। ये मत सुना भाई, डांटा। हाँ हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हाँ भैया नमस्ते। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं, हाँ पप्पू के छोटे भाई रोहन, रोहन रोहन। अरे गप्पू गप्पू गप्पू, हाँ हाँ याद आया ना, हाँ हाँ वही वही भैया। हाँ आप कुछ बोल रहे थे जुगाड़ के लिए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, हाँ अच्छा है, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक 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 ठीक, चलो स्पर्श भैया, ठीक है, ओके 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 भाई। देखा बेटा, इसे कहते हैं जुगाड़। कल जा रहे हैं हम, और कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, सीधे मिलेगी जॉब, समझे? नौकरी लगने के लिए खुद घूमना पड़ता है, ठीक है, घुमाना भी पड़ता है, और बिना घूमे फिर नौकरी एक ही कंडीशन में लगती है, अगर तुम्हारे पास हो जुगाड़, जॉब है तेरे पास, समझा? तो मेरा एक चेला है, नाम है उसका संजय सिंघानिया, वो गजनी वाले? गजनी वाले नहीं बेटा, वो सजनी वाला होने वाला, उसकी शादी अगले महीने, आना जरूर, ठीक है? तो वो कौन सी कंपनी में, क्या बोलते हैं उसको यार, वो खिसको, खिसको, अरे वो बनाते ना अपना वो राउटर एंड स्विचेस बनाते हो, उसमें है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भैया, तो हाँ। वो तेरा काम कर देगा। अच्छा, उसके बाद तू जा, नंबर नोट कर पहले। अच्छा, उसका नंबर है 911 420 420। अबे पूरे 10 अंगिल ले यार। और उसका ईमेल आईडी है yahoo@gmail.com। ओरिजिनल है भाई, लग जाएगी ना भी भाई, हमने अच्छे अच्छों की लगवा दी, तू तो अपना भाई है, तेरी भी लगवा देंगे, लगी बड़ी तेरी, चिंता मत कर, ठीक है, इतना काम हो जाएगा, इससे बात कर, जा बिंदास, चल ठीक। अबे सुन, बैठ, भगवान को मानता है? तो कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो गणेश जी दिखने रहे तेरे को, तो कुछ चढ़ावा चढ़ाना आया है, चढ़ावा चढ़ा। अबे यही छोटा इधर, ये सबसे छोटा होता है। हाँ चढ़ा चढ़ा, हाथ जोड़ ले, बहुत मानता हूँ इनको मैं, इनके दिया वो खाता हूँ, ठीक है, चल अब समय ले, तेरा काम हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये भाई के पास जा अपना, तो ये काम करा देगा तेरा, चल। और जब काम पूरा हो जाए तो ऐसा जो दिया ना, ऐसा 10 दे के जाने का, कितने 10 दे के जाने का, बरकत होगी, जा ठीक है। अबे सुन, तेरे को कुछ सिखाया नहीं गया, बड़ों के पैर छू के जाने का कुछ ऐसा? हाँ जी, पैर बोला, पैर घुटना नहीं, पैर, हाँ हाँ जीता है, चल जा, हो जाएगा तेरा काम। सर मैं ही कमी, आप कौन? सर वो गांजा भाई। मैंने कहा कितनी बार आपसे कि गांजा ऑफिस में नहीं, तो ऑफिस के बाद मिलिएगा। नहीं नहीं सर, वो गांजा भाई साहब ने मुझे भेजा है। अच्छा गांजा, चलो भाई अंदर आइए बैठिए।
हाँ तो क्या नाम बताया था आपने? सर वो रोहन, रोहन सर, रोहन। तो रोहन बताइए कैसे आना हुआ है आपने? सर वो जॉब का कुछ हो जाता तो कहाँ था मुझसे जाना? देखो रोहन, तो सीसीए ने तो किया ही होगा आपने, क्या होता है सर? मतलब नहीं किया, एमसीबीसी करते हैं, करे हैं मतलब? अरे सर एमसीबीसी क्या कोर्स, यहाँ पे कोर्स होता है एमसीबीसी का और दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रोहन तुमने ये कोर्सेज नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग में भी डील करती है, तो क्या है 6 महीने का कोर्स है, 40,000 फीस है। खांसना बंद करिए, 20,000 रुपये कर देंगे कांगड़ा की तरफ से आएंगे आप। ये MCBC सर ये क्या होता है? जी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, यहाँ पे CCNA तो हम आपको करवाएंगे और साथ साथ में आप MCBC करते रहेंगे। नमस्ते। हाँ क्या पैसे कट गए? कितने? 20,000 रुपए। अरे वो तो कोर्स के है। हाँ वो कोर्स किया था एक। अरे मम्मी तुम्हें तो सारी इंजीनियरिंग पढ़ानी पड़ती है। अरे CCNA प्लस MCBC का कोर्स है। अरे गाली नहीं है, MCBC एक कोर्स है। अरे अच्छा ठीक है मम्मी। हाँ हाँ ठीक है रखो। तुम तो मम्मी बस यहाँ नौकरी नहीं लगी और तुम हमारी लगाई पड़ी हो। ठीक है रख रहे, चलो। 4,00,000 माँ बाप ने घुसवा दिए बीटेक में और हम 20,000 कोर्स में घुसा रहे हैं तो उन्हें क्या पड़ी है? दिमाग खराब। अभी आपने कोर्स किया है? नेक्स्ट। जाओ, मेरा तो हुआ नहीं, तुम ही जाओ, देखे कितना पढ़े हो। इतना लेट? सॉरी मैम, ट्रैफिक जाम। कब लगवाएगा नौकरी? बाबा आजा, बच्चा आजा, नौकरी चाहिए ना तुझे नौकरी? बाबा आपको कैसे पता? अरे तेरे सीवी से बेरोजगारी की बू आ रही है, क्योंकि तेरा शनि बहुत भारी है और इसीलिए छाई तेरे चेहरे पे लाचारी है। बाबा बाबा आप तो अंतर्यामी है बाबा। हाँ मैं हूँ अंतर्यामी, इसीलिए मैं हूँ इन सबका स्वामी, सबका एक परमेश्वर है और इसीलिए मेरा नाम चौबेश्वर है। बाबा की चलवा कुछ करो बाबा, मेरी नौकरी लगवा दो बाबा। ना परेशान हो बच्चा, कुछ न कुछ उपाय जरूर है, देखता उपाय देखता। Thank you.
बेटा मेरा फोन है। अरे दुर्बल का फोन। हेलो दुर्बल कैसे हो? सुना तुम्हारा समागम दिल्ली में कैंसिल होता जा रहा है। तुम्हारी भी कृपा कहीं से रुक रही है दुर्बल, लेकिन देखो कभी आओ बैठते हैं। हेलो हेलो दुर्बल, इसकी भी कृपा खत्म होती जा रही है। अपने मोबाइल में भी बैलेंस डलवाया की थी पंडित जी, ऐसा ना हो कि हमारी भी कृपा कहीं से रुक जाए। हाँ तो बच्चा क्या कह रहा था बाबा? आप मेरे लिए उपाय ढूंढ रहे थे बाबा। एक कुत्ते के मुंह से गुड़ छीन के खाना पड़ेगा तभी कुछ होगा तेरा, तभी कृपा बरसेगी तेरे ऊपर। जा ये कर। पर बाबा कुत्ता कहां से? क्यों कुत्ता नहीं मिलेगा मुझे बाबा? कोई और उपाय बताओ बाबा। एक और उपाय। मोमोज कब खाए थे तुमने? मोमोज पिछले महीने खाए थे बाबा। चटनी खाई थी? नहीं। बस वही से तो कृपा रख रही है तुम्हारी। एक गिलास मोमोज की चटनी पी जा, और प्यास लगे तो पानी मत पीना बच्चा, पानी मत पीना। पर बाबा पी तो लूं लेकिन सुबह दिक्कत हो जाए। दिक्कत किसको नहीं? यहाँ जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरा। पर बाबा ऐसा मत करो, बाबा ऐसा मत करो, कुछ तो उपाय ढूंढो बाबा, कुछ मेरा उद्धार करो बाबा, कुछ तो करो बाबा। चल रुक जाओ, मैं देखता हूँ कुछ और हो सकता है क्या। अच्छा ऐसा कर, हम सभी ब्राह्मण लोग बैंकॉक जा रहे हैं, मेरा मतलब बनारस जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए। तू ऐसा कर 10,000 माया के बीच हमारे दान पेटिका में डलवा दे, तेरी कृपा होगी बच्चा तेरी कंपनी। 10,000 माया के बीच? ये क्या है पापा? माया बीच नहीं पता तुझे? माया बीच मतलब डॉलर, करेंसी, रुपया, कुछ भी कर सकते हो बच्चा, लेकिन है तो ये सब माया के बीच में, माया के बीच में। बाबा कुछ कम नहीं हो सकते? कम? ये क्या कोई बार्गेनिंग शॉप है ये? 7,000 बस, उससे कम नहीं हो सकता। 7,000 माया के बीच मेरे कान पे टिका में डलवा। ठीक है बाबा, ठीक है, कृपा होगी। ओके ठीक है, लो ये फल खाओ, प्रसाद ग्रहण करो, सब फायदा कृपा। चलो आशीर्वाद बाबा, आशीर्वाद। जय हो बाबा की। हाँ बता कैसे आ रहा हूँ। अरे भैया आप कह रहे थे कोई संजय सिंह आनिया था ना, उसका जुगाड़ तो फेल हो गया। अबे ऐसे जुगाड़ इधर बहुत होते हैं, एक जुगाड़ फेल हुआ ना, अभी ऐसे 50 जुगाड़ है लाइन में। तो एक काम कर, मेरा एक दोस्त है उसकी कंसल्टेंसी चलती है करोड़ बाग में, मेरा भी आदमी हो गया। हाँ उसकी एक कंसल्टेंसी चलती है करोड़ बाग में, KKR कंसल्टेंसी। तो तू उसके पास जा और उसको बोल के मैंने भेजा है, तेरा काम वो कर देगा, तेरी जॉब पक्का लगा देगा, उसके कोई MNC से टाई अप है। ठीक है तो जा बिंदास, काम तेरा हो जाएगा झलास। ठीक है भैया चलता हूँ, जा। ठीक है भैया। अरे दूर पिछली बार कुछ बताया था ना? अरे हाँ भैया बोल दिया, छोटा नोट दे रहा है इस बार। अरे भैया दिल भी छोटे हो गए आजकल। जा बरकर दो मिनट। अबे सुन पिछली बार कुछ सिखाया ना तेरे को? हाँ सिखाया तो। जा जा जा, शाबाश शाबाश, लगी बड़ी तेरी, लग जाएगी पक्का, लगी बड़ी। हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? सर वो मुझे गांजा भाई ने भेजा है। अच्छा गांजा भाई? जी सर। हाँ बताओ। सर वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे सर। हाँ तारीफ क्यों नहीं कर रही है, पार्टनर जो है हमारे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, रिज्यूम लाए हो तुम अपना? जी सर। दिखाओ। भक्ति बना रखा है इसका, मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे बैठ के 15 गलतियाँ हैं इसके अंदर सर, उल्टा है चीरे में 30 से ज़्यादा गलतियाँ निकल जाएंगी। बहुत गलतियाँ हैं इसके अंदर,
ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत गलतियाँ इसके अंदर, बहुत गलतियाँ। हमारी एक रिज्यूम बिल्डिंग सर्विस है जिसके लिए तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और 3,000 रुपये हमारा कंसल्टेंसी चार्ज, सिर्फ 5,000 रुपये जमा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर लेकिन 5,000 तो बहुत सर ज़्यादा नहीं? नहीं नहीं, इससे कम नहीं होगा सर, जाओ। नहीं 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 नहीं, जाओ सर। मैं कैसे? ठीक है सर, लेकिन एमएनसी से कॉल तो आएगी ना सर? कॉल तो तुम्हें एमएनसी से ही आएगी और कल 11 बजे ही आएगी तुम्हें कॉल। सर अगर नहीं आई तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, कि कॉल आएगी, जरूर आएगी तुम्हारे पास कॉल। बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो तुमसे कोई 30-40 हज़ार रुपये का बॉन्ड देंगे भरने के लिए, वो भर देना सर। बस 30-40 हज़ार? अरे तो वो 2-3 महीने में तुम रिकवर भी तो कर लोगे उसको, तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी होगी तुम 2 या 3 महीने में हार्डली उसको रिकवर कर लोगे। ठीक ठीक है, तो तुम अभी जाओ बाहर, सीमा बैठी है उसको पैसे जमा करो 5,000 रुपीज, तुम्हारा काम हो जाएगा। सीमा पैसे? हाँ हाँ इधर जी, जाओ तुम बाहर पैसे जमा कर दो सीमा को, वरना सीमा तो अभी थोड़ी देर में बिजी हो जाए। ठीक है सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर ये के एल का फुल कौन क्या है? के के एल पता लगे, अब तुम जुड़ी क्यों हो, बहुत जल्दी बता। ठीक है सर। पांडे मैं करता हूँ तुझे फोन, हाँ तेरा काम हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुक मैं तुझे फोन करता हूँ 2 मिनट में। कौन है तू? जल्दी किसने आने दिया? अच्छा जब पैसे लेने थे तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, कह रहे थे एमएनसी में जॉब लग पाऊंगा, 40,000 रुपये बॉन्ड भरवाया, अब 6,000 रुपये दे रहे, एक साल में भी कवर नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुझे कहा था मैं तेरी जॉब एमएनसी में लगवाऊंगा, मान नेटवर्क केबल एमएनसी, मेरा काम खत्म। खत्म तो तुझे मैं करूंगा, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, रुक अभी अभी मिलाता हूँ। रुक जा बेटा रुक जा, एक सेकंड ले, बात कर पुलिस से, ले डायल कर दिया मैंने, बात कर पुलिस से, बात कर। बेटा धंधा करता हूँ मैं, धंधा पुलिस वालों को अपने साथ मिला के रखता हूँ, अगर अभी पुलिस वाले यहाँ पे आ गए ना, मार मार के तेरी बंदर की तरह लाल कर देंगे। चल निकाल अब यहाँ से, अभी तुझे बताता हूँ साले, अभी बताता हूँ तुझे। फैसल शटर गिरा, यहाँ धुआं नजर आए ना खाल निकाल के भूसा भर दूंगा, भूसा। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल सड़क निकल यहाँ से, निकल जाइए यहाँ पे। जिंदगी तू ही बता, खोया है जो पाऊं कहां, हर भूल को माफी मिले, रूठे पलों को मैं लाऊं मना। गप्पू बोल रहा हूँ, हाँ सब ठीक है माँ, सब ठीक है, हाँ नहीं रो रहा हूँ माँ, नहीं रो रहा हूँ माँ। जिस कंपनी में मैंने बॉन्ड भरा था ना माँ, वो फ्रॉड निकली माँ, सारे पैसे ले लिए, सारे पैसे डूब गए माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ माँ। मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया माँ, हमेशा आपको नीचा दिखाया माँ। पापा को मत बताना,
पापा को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरा बेटा हूँ माँ, मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा माँ, लेकिन आपको हमेशा अच्छा बन के दिखाऊंगा, अच्छा बन के दिखाऊंगा। Good morning. Introduce yourself. Sir, my friend Tanush Kumar Bose, sir. DK Bose? Continue. Sir, I'm going school in DPS RK from, sir. Sir, I'm going B.Tech from Vasipur Institute of Technology. Okay. Sir, done many courses in IT field, sir. CCA ने किया है? सर, से खुल से नीचे पर। अरे यार, ट्रांसपेरेंट है। ओ, सॉरी सर। सर, ये क्या आपने CCA ने किया सर? ये बहुत अच्छा कोर्स है और जो मेरे ख्याल से हर नेटवर्किंग प्रोफेशनल को करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमारी कंपनी भी ये प्रोवाइड कराती है कोर्स, जिसके लिए हम बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, 20,000 होंगे। देखो यार, बात पैसे की नहीं, आजकल ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कोर्स के नाम पर आपके साथ फ्रॉड करती हैं। मैं भी एक बार ऐसी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंस कर अपने सारे पैसे गंवा बैठा। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि किसी अच्छी कंपनी से ये कोर्स करो, क्योंकि मैंने भी एक अच्छी कंपनी से कोर्स किया और आज मैं यहाँ बैठा। तो आप ये कोर्स यहीं से कर लीजिए और फीस ना बाहर सबमिट करा दीजिए, ठीक है? ओके, बाय। तो कैसा रहा गाजा भाई? ठीक क्या हुआ? वेलकम टू द गैंग। बात गैंग की नहीं है गांजा भाई, मैं यहाँ पे रहकर सिर्फ एक ही चीज सिखाऊ कि ये जो दुनिया है ना, सिर्फ एक चीज से ही चलती है और वो है जुगाड़।